दोस्तों भाईजान आ चुके हैं बड़ी स्क्रीन पे, नया साल आया नहीं है बट सबके फेवरेट सलमान खान स्क्रीन पर आ चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दबंग 3 के बारे में, जो कि रिलीज हो चुकी है शुक्रवार को। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि दबंग 3 किस तरह की मूवी है और कितना धमाका करने में सक्सेसफुल हुई है सलमान खान की दबंग 3। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, जुड़ते रहिए, जोड़ते रहिए, मतलब सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं मूवी के सर्टिफिकेट की। सलमान खान की मूवी है तो अक्सर ऐसा सबको लगता है कि यार मूवी छोटे बच्चों के लिए या फिर किसी के लिए भी ये मूवी है, कोई भी आके जाके देख सकता है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। दबंग 3 मूवी रिलीज हुई है यूएस सर्टिफिकेट के साथ, मतलब छोटे बच्चे अलाउड नहीं है जिनकी उम्र 12 साल से नीचे है। 12 साल के बच्चे अलाउड है, वो भी पेरेंट्स की गाइडेंस में। तो दोस्तों दबंग 3 देखने जा रहे हैं अगर आप बच्चों के साथ तो इसका ख्याल रखिए। दोस्तों मूवी रिलीज हुई है मिस्ट्री और थ्रिलर जॉनर में, इसका मतलब मूवी के अंदर मिस्ट्री और थ्रिलर का कॉम्बिनेशन होने वाला है। बट दोस्तों आपको बता दूं कि अगर मूवी सलमान खान की है तो उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता, मूवी के अंदर जॉनर कोई सा भी हो, बट मूवी का सिर्फ एक ही जॉनर होता है सलमान खान। जी हाँ दोस्तों, मूवी की स्टोरी की अगर बात करें तो वो लिखी है सलमान खान ने। जी हाँ, सलमान खान ने खुद दबंग 3 की स्टोरी लिखी है। दोस्तों फिल्म के अंदर आपको एक्शन भरपूर मिलेगा, जरूर से ज्यादा मिलेगा, कहीं कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आपके सर में दर्द स्टार्ट हो गया, इतना एक्शन मूवी के अंदर भरा हुआ है। जी हाँ, भरा हुआ ही कहूंगा मैं इसको, क्योंकि मूवी के अंदर एक्शन का ओवरडोज हो गया है। जहां पर एक्शन नहीं चाहिए वहां पर भी एक्शन है, और जहां पर कॉमेडी नहीं चाहिए वहां पर भी कॉमेडी को भरा गया है जबरदस्ती। मूवी के स्टार्टिंग से लेके मूवी के एंड तक सिर्फ और सिर्फ सलमान खान के फाइट सीन है, वो भी स्लो मोशन में। खड़े खड़े उन्होंने 10 20 15 50 बॉडी बिल्डर टाइप के, जो हेल्दी पहलवान टाइप के जो गुंडे होते हैं, विलेन होते हैं, उनको खड़े खड़े सबको जमीन चटा दिया, धूल चटा दिया सबको। सलमान खान का एक बाल भी नहीं हिलता, जिस तरह के उनके बाल पूरे सेट टॉप शर्ट की क्रीज तक खराब नहीं होती, इस तरह के एक्शन उन्होंने किए हैं मूवी के अंदर। जबरदस्त एक्शन है और इतने जबरदस्त हैं कि आपके सर में दर्द हो जाएगा। बाय गॉड, सर में दर्द होने वाला है मूवी अगर आप देखने जा रहे हैं तो। दोस्तों अगर मूवी के अंदर कुछ भी अच्छा है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मूवी के विलेन सुदीप, जिन्होंने इससे पहले मक्खी और एक पहलवान मूवी आई थी सुनील शेट्टी के साथ, उसमें काम किया था जो कि काफी अच्छा काम था। इस मूवी के अंदर वो सलमान खान को खा गए हैं। अगर आप मूवी देखने जाएंगे तो आपको बता दूं कि उनकी एंट्री जब होती है उसके पीछे का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है दोस्तों जबरदस्त है। दोस्तों गब्बर के बाद अगर कोई भी विलेन छाप छोड़ने में कामयाब हुआ है तो ये सुदीप दबंग 3 के जो विलेन है, इनकी एंट्री है, मैं सिर्फ एंट्री की बात कर रहा हूँ, जबरदस्त एंट्री है। दोस्तों विलेन के अलावा अगर मूवी में कुछ भी अच्छा है तो वो है मूवी की स्टोरी, जो कि सलमान खान ने लिखी है, बट बैड डायरेक्शन की वजह से या कहिए बैड एडिटिंग की वजह से मूवी फेल होने वाली है बॉक्स ऑफिस पर। अगर दोस्तों गाने की बात की जाए तो मूवी के अंदर गाने कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी गाना इम्पैक्टफुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक हुड़ दबंग दबंग गाना छोड़ के वो गाना थोड़ा अच्छा है, उसके अलावा कोई भी गाना अच्छा नहीं है। ऐसा लगेगा आपको कि अननेसेसरी गाने ठूसे हुए हैं। इंटरवल से पहले कॉमेडी सीन एक दो कुछ अच्छे हैं, बट उसके बाद इंटरवल के बाद तो मूवी में कुछ भी नहीं है, आपके सर में दर्द होने वाला है और आपको कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों मेरी फाइनल वर्डिक्ट ये रहेगी कि अगर आपको मूवी अगर आप सलमान खान के डाई हार्ड फैन है तभी इस मूवी को देखने जाना, अदरवाइज आपके सर में दर्द होगा, अपने सर दर्द की गोलियां लेके जाना, या फिर इंटरवल से पहले की मूवी देखना और इंटरवल के बाद कोई दूसरी मूवी देखने चले जाना। ये दोस्तों ये था मेरा रिव्यू दबंग 3 के ऊपर, आपको कैसा लगा? और अगर आप मूवी देख के आ चुके तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी। मेरे हिसाब से ये मूवी आप लोगों के लिए नहीं है, सर में दर्द होने वाला आपके, लिख लीजिए। अगर आप सलमान खान के फैन हैं तभी आपको ये मूवी पसंद आएगी, अदरवाइज मूवी में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्शन का ओवरडोज है और शर्टलेस सलमान खान है बस। बाय बाय, थैंक यू।